राजनीतियां पार्टी कहती है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पैसा देकर के धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके क्या ये सच है? ये सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों को सरकार जमीनी स्तर पर आके देखे। हम लोगों का ईसाई का एक गुण है कि हम लोग सेवा करते हैं, किसी को हम लोग सेवा करते हैं। तो हम लोगों का आज के डेट में बीजेपी सरकार के डेट में बोला जा रहा है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, झारखंड बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। और ये लोग हमेशा से पहाड़ों की, पेड़ों की, नेचर की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ये इसी को अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करने लगे हैं, यीशु मसीह की ओर फिरने लगे हैं, तो वहाँ पर इन लोगों का जो ये आरक्षण है उसे छीनने की बात की गई थी। ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा पुराना वीडियो है दोस्तों, लेकिन आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से वहाँ के लोगों के साथ में दोगला व्यवहार किया जा रहा है। कि अगर आप लोग हिंदू बनते हो, मतलब हिंदू देवी देवता की पूजा करते हो, तो आप लोगों से आरक्षण नहीं छीना जाएगा। एंड अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, अगर आप ईसाई बन जाते हो, तो आपसे आरक्षण छीन लिया जाएगा और आप लोगों को सताया भी जाएगा। ये मेरा नहीं कहना है, जो वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये वीडियो में उन लोगों का कहना है जिन लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। देन आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं। क्या करना आ गए यहाँ जो आप? पहले आज तो रविवार का दिन है, आज तो चर्च में आप लोग को उपस्थित होना चाहिए, फिर रोड पर क्यों आ गए? आज हम लोग चर्च में करके, आज हम लोग को खाने पीने का दिन था, घर में रहने का दिन था, लेकिन हम लोगों के ऊपर में बहुत सारी प्रताड़नाएँ हो रही है, बहुत सारे चर्चों को जलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मारपीट किया जा रहा है, हमारे ईसाई समुदाय को, तो उसी का विरोध रैली में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे जितने भी हमने देखा, लगभग 5-10 हज़ार लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या इन लोग को कोई मुर्गा या फिर कोई हड़िया दे करके बुलाया गया, या फिर ज़बरदस्ती लोग को बुलाया गया? नहीं, यहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया गया। अभी आप लोगों ने सुना, मंच की ओर से, शिल्पी नेहा की ओर से, मांडर विधायक की ओर से आप लोगों ने सुना, और उन्होंने हाथ उठाने को कहा कि किसी को अगर मुर्गा या दारू से प्रलोभन देकर बुलाया गया है तो आप अपने हाथों को उठाएं। इस तरह का उन्होंने बात कहा, और उन्होंने इस बात को, जन सैलाब ने उस बात को प्रमाणित किया कि हम लोगों को किसी के दबाव पर यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। वे लोग स्वेच्छा से आए हैं, उन्होंने अपने को खुद स्वेच्छा से आए हैं, इस बात को लोग प्रमाणित किया। झारखंड की राजनीति गलियारों में और एक बड़ा मुद्दा आ रहा है, डी लिस्टिंग को लेकर के, यानी कि जो भी आदिवासी ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनकी डी लिस्टिंग होना चाहिए, क्या बोलिएगा इस पर? इसके विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी में हमारे ईसाइयों को आरक्षण नहीं देने का बात हो रहा है, लेकिन हमारे आदिवासी भाई ही जो हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, उन्हें आरक्षण दिया जा रहा, तो ये तो गलत बात है, तो इसका हम समर्थन नहीं करते हैं, इसका हम विरोध करेंगे। क्या कि एक ही जात के लोग को दो तरह का कानून नहीं बन सकता है, है ना? क्या कि हमारे आदिवासी समाज के लोग कोई क्रिश्चियन धर्म मान रहा है, कोई हिंदू धर्म मान रहा है, तो क्रिश्चियन को बोल रहा है हम आरक्षण नहीं देंगे, और सरना लोग के लिए आरक्षण लागू करने कहता है, तो ये तो गलत है, इसका हम विरोध करेंगे। कई सारी राजनीतियाँ पार्टी कहती है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके क्या ये सच है? ये सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों को सरकार जमीनी स्तर पर आके देखे। हम लोगों का ईसाई का एक गुण है कि हम लोग सेवा करते हैं, किसी को हम लोग सेवा करते हैं, तो हम लोगों का आज के डेट में बीजेपी सरकार के डेट में बोला जा रहा है कि प्रलोभन देकर ईसाई बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है, क्योंकि सदियों से ये काम चल रहा है। बहुत सुदूर, अभी जिस तरह का यहाँ मंच में बोला गया, बहुत सारे जगहों पर जो जंगलों में रहते हैं, और हम भी देहात से बिलोंग करते हैं, है ना, उधर हम लोग कर्रा तोरपा तरफ का हैं, उधर में गांव-गांव जाकर स्कूल खोला गया है, हॉस्पिटल खोला गया है, तो स्कूल और हॉस्पिटल खोल के क्या वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कि शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, आदमी को, बीमारों को सेवा का काम कर रहे हैं, कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है? ये गलत है, सरकार को जमीनी स्तर पर आके देखना चाहिए कि अगर प्रलोभन दिया जा रहा है तो क्या चीज़ का प्रलोभन दिया जा रहा है? एक बोतल हड़िया चाहे एक बोतल दारू में कोई धर्म परिवर्तन करेगा? कोई ऐसा जन नहीं है जिसको कि धर्म परिवर्तन करने के लिए कोई चीज़ दिया गया है। यदि ईसाई आदिवासियों को आरक्षण का लाभ अगर मिल रहा है, तो आज हमारे जितने भी सुदूर इलाका कहें, या फिर हमारे झारखंड के ईसाई आदिवासी, आज बंगाल या फिर केरल
या फिर तमिलनाडु में आज चौकीदार या फिर दूसरे का बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहते। गलियारों में ये आवाज़ आती है कि जो ईसाई धर्म को मान रहे हैं उनको तरफ से ईसाइयों को लाभ मिलता है, पैसा मिलता है, इसी की वजह से वो लोग बहुत आगे जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। देखिए, ईसाइयों को कोई वैसा लाभ नहीं मिलता है, वो मेहनत करते हैं। खुद हम लोग का बच्चे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके वो चीज़ को वो लोग प्राप्त करते हैं। अगर आवश्यकता वहाँ देते भी हैं। देखिए, बिना मेहनत का कोई कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बच्चे भी मेहनत करते हैं, एड़ी चोटी ये करते हैं, तब वो लाभ को प्राप्त करते हैं। कोई हम लोग को देता नहीं है कि आप ईसाई हैं तो आपको ये लीजिए या तो इतना पैसा लीजिए और आप ये कीजिए वो कीजिए, ये गलत बात है। सब मेहनत के द्वारा ये सब प्राप्त करता है। दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हें पैसा देकर तुम्हारा धर्म परिवर्तन किया जाता है, और तरह तरह के आरोप जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया होगा, सुन लिया होगा। और यहाँ पर इन बातों का भी जिक्र किया गया है कि तुम्हारे जो बच्चे पढ़ लिख कर जो अदर कंट्रीज में चले जाते हैं तो तुम्हें पैसा देकर, तुम्हें प्रलोभन देकर, तुम्हें शिक्षा फ्री देकर तुम्हें लालच दिया जाता है ताकि तुम अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तुम इस लालच में आकर धर्म परिवर्तन करते हो। तो यहाँ पर जो महिला थी उसने किस प्रकार से इस बात को कह दिया कि हमारा किसी प्रकार से किसी ने हमें कोई लालच प्रलोभन नहीं दिया है। हम पहले भी कमाई करते थे, आज भी हम कमाई करते हैं, हम मेहनत करके खाते, कोई हमें नहीं देता है। और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बस हमारा विश्वास बदला है। हमने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर हमने अपना विश्वास किया है और हम यीशु मसीह को अपना ईश्वर मानने लगे हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि लोग हमें पैसा देंगे, प्रलोभन देंगे तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने बोला है कि प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना है, देखा है, परमेश्वर के अंदर सच्चाई है, इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें पैसा देगा तो हम विश्वास करेंगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा कि चख के देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को चखा है, जान लिया कि हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे फिर गए और आज यीशु मसीह के लिए दुख भी उठाते हैं और यीशु मसीह को ही अपना ईश्वर मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में किस प्रकार से इन लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने एक बड़ी महारैली वहाँ पर निकाली और जहाँ पर ये बात भी बोली जा रही है कि यहाँ पर मुर्गा और जो ड्रिंक देकर उन लोगों को क्या किया गया, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा किया गया। लेकिन आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पर जो उनके जो आने वाले थे, जो भी वो क्या बोलते हैं, जो बड़े लोग जो आने वाले थे, उन लोगों ने वहाँ पर क्लियरली पूछ के देखा कि आप लोग बताओ, आपको यहाँ पर लालच देकर, मुर्गे का लालच देकर, कोई और लालच देकर तो आप लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया है। लेकिन वहाँ पर भीड़ ने साफ कह दिया कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह किसी को लालच नहीं देता है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह से प्यार करता है, वो निश्चय प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलेगा। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और एक समय पर प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि धन्य वे जो बिना देखे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ जो आदिवासी लोग हैं, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये लोग कभी फिरते नहीं है, फिर पलटते नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि यीशु मसीह ही सच्चा ईश्वर है। ये पूरे मन से विश्वास करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फिर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह से, लेकिन उन्होंने सच्चाई को जानना अभी चाहिए, उन्हें सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। देन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा किसी भी धर्म जात को ठेस पहुँचाना नहीं है, परंतु सच्चाई आप लोगों के सामने रखना है, जो कि मैंने नहीं, क्लियरली इन लोगों ने जो वीडियो में आप लोगों ने सुना है वो बोला है कि हमें किसी प्रकार का लालच नहीं दिया गया, प्रलोभन नहीं दिया गया, हम केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कमाई करते हैं। और हमारे साथ तो ये दोगला व्यवहार किया जा रहा है कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग हिंदू बन जाएं तो हमें आरक्षण नहीं छीना जाएगा, लेकिन अगर ईसाई बन जाएं तो आरक्षण छीन लिया जाएगा। ये तो दोगले वाली बात हो गई। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे, एंड ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय मसीह की।